वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 में मनाई गई है दिवाली, और दिवाली के खास मौके पर अर्चना ने दी बड़ी बहन होने के नाते सबसे बड़ी नसीहत। किस तरह से उन्होंने शालीन और टीना से दूर रहने को एक बार फिर से समझाया सुंबुल को, लेकिन इस बार सुंबुल का जवाब सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। क्या कहा ऐसा सुंबुल ने अर्चना से, जिसके बाद अर्चना की भी आंखें फटी की फटी रह गई कि सुंबुल, तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलने लगा है, क्या बात है। क्या आप लोग भी जानना चाहेंगे? जरूर हम बताएंगे सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, दिवाली की रात सब लोग बैठ कर बातें कर रहे होते हैं, और ऐसे में जो अर्चना है वो सुंबुल से कहती है, सुंबुल अब तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे सामने सब लोगों का असली चेहरा आ चुका है। तू अभी बहुत छोटी है, अभी बिग बॉस के घर के अंदर, वो भी इतनी कम उम्र में, प्यार के चक्कर में तू मत पड़। तुझे दिख रहा है कि किस तरह से इंडियन टेलीविजन पर तू अंजलि बन चुकी है, किस तरह से तुम लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है। तुझे ऐसा तो है नहीं कि लोगों के असली चेहरों के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर तू यहाँ पर इन्हीं सब पर पड़ी रही तो तेरा नुकसान होना तो पूरे तरीके से तय है। जिसके बाद सुंबुल हंसने लगती है बजाय रोने के, और कहती हैं कि अर्चना, मैं तो यही कहूँगी कि मैंने सबके असली चेहरे देख लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी से भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। मेरे लिए रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी से दिल से रिश्ता जोड़ लेती हूँ। और इसी के बाद सुंबुल ने ये कहा कि मैं उन रिश्तों के साथ ही फिर मज़े लेती हूँ, जिन रिश्तों ने मुझे तोड़ा होता है, मैं वो रिश्ते तोड़ने की बजाय उन्हीं रिश्तों का फ़ायदा उठाकर उन लोगों को तोड़ती हूँ। और अब मैं शालीन से अपनी इसी दोस्ती का फ़ायदा उठाऊँगी, इस रिश्ते का फ़ायदा उठाऊंगी, लेकिन इस बार गेम मैं खेलूंगी, आई विल मेक माय ओन गेम। और यही दोस्ती की आड़ में मैं टीना और शालीन दोनों के रिश्ते को, दोनों के प्यार को, और दोनों के बिग बॉस के अंदर चल रहे गेम को, सबको बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर अर्चना के होश उड़ जाते हैं कि सुंबुल में एटलीस्ट दिमाग तो आया, उसने प्लानिंग तो सोची। वेल, आप लोग क्या कहेंगे सुंबुल की इन बातों पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।